हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक और नए ब्लॉग वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम जाम बहार डैम को घूमने वाले हैं। दोस्तों, ये जाम बहार डैम हमारे एरिया का नज़दीकी में सबसे अच्छा बांध है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, मनमोहक है। दोस्तों, आज हम इस जाम बहार डैम को आज घूमने के लिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा और हमारे साथ में चलिए जाम बहार डैम को घूमेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। दोस्तों, ये है ललुंगा का चौक। ललुंगा का चौक, यहाँ बस स्टैंड भी है, बस स्टैंड इधर बनाते हैं। ये है ललुंगा का बस स्टैंड बोल लो या फिर चौक बोल लो, अधिकतर लोग यहीं से बस पकड़ते हैं। और ये ललुंगा का थाना है। काफ़ी खतरनाक रास्ता नज़र आ रहा है, जो अभी बारिश हुआ है जिसके वजह से इधर थोड़ा सा कीचड़ हो गया है और बाइक का अगर चक्का फिसल जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस खतरनाक रास्ते से हमको गुजरना पड़ रहा है। बरसात में यही दिक्कत है दोस्तों कि रास्ता ख़राब हो जाता है। और इधर मुरुम भी अभी बिछा दिए हैं जिसके वजह से ज़्यादा इधर ख़राब रास्ता हुआ है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, काफ़ी अच्छा रोड था और आने जाने में भी काफ़ी अच्छा लगता था उस समय। तो ये जाम बहार जाने का ये शॉर्टकट रास्ता है। दोस्तों, हम यहां से लेफ्ट जाने वाले हैं और इधर से रास्ते में बांध वाला रास्ता है। जाम बहार तो हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों, और अभी हम लोग जा रहे हैं बांध की ओर। तो इस रास्ते से हमको जाना होगा।
फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए जामबाहा डैम और ये उसका गेट है और हमको राइट साइड जाना है। ये देख रहे हैं दोस्तों फाइनली दोस्तों हम लोग जामबाहा बांध पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इधर काफ़ी अच्छा मनमोहक दृश्य है और यहाँ हम लोग अभी पहाड़ के ऊपर में हैं और नीचे जगह में है ये बाहर जामबाहा का डैम जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो हम पहुँचे नहीं हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग उसके नज़दीक जाकर देखेंगे और उधर का नज़ारा कैसा है हम देखेंगे और आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों ये है जामबाहा डैम जो दिखने में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और दिखने में भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और इधर का दृश्य मेरे को काफ़ी अच्छा है और इधर लोग घूमने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और इधर देख पा रहे होंगे इधर एक पानी टैंक भी बन रहा है जो उसके पानी के बीच बगल में है। तो दोस्तों ये जामबाहा डैम घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है और इधर टेंशन में रहो तो इधर आकर घूमो तो रिलैक्स भी काफ़ी अच्छा लगता है और जब भी काम का प्रेशर हो तो इधर घूमने के लिए आ सकते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं और इधर नहाने के लिए भी अधिकतर लोग आते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे की ओर देखते हैं और कैसा नज़ारा होने वाला है। तो ठीक है चलिए। दोस्तों ये नज़ारा देख पा रहे होंगे ये है बांध के बगल का नज़ारा। इधर देख पा रहे होंगे काफ़ी
अच्छा इधर भी अच्छा है। और दोस्तों इधर और लोग भी आए हुए हैं, जैसे कि कार मारुति वगैरह में आए हुए हैं, और वो लोग शायद पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। और इधर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इधर खेती है, खेती करने के लिए भी उपयुक्त स्थान है। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, ये देख रहे हैं जिधर भी जितना दूर तक मेरा नज़र जा रहा है उधर तक जाम बाहर बांध का है। दोस्तों यहाँ मछली पालन भी होता है, और इधर का बड़े बड़े मछली होता है, और इधर का जो मछली है उनको ले लूँगा ले जाया जाता है और बेचा जाता है। दोस्तों इधर का देख रहे हैं पीछे का नज़ारा काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, और देख पा रहे हैं पहाड़ी एरिया है। और दोस्तों पीछे देखिए, इधर कार से कुछ लोग आए हुए हैं, शायद नहाने के लिए आए हुए हैं। और दोस्तों ये रास्ता काफ़ी दूर तक नज़र आ रहा है, तो चलिए कुछ देर तक हम लोग चलते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं मेरे पीछे खेत भी हैं, और इधर लोग बकरी वकरी भी चराने के लिए आए हुए हैं, और इधर छोटे छोटे खेत काफ़ी नज़र आ रहे हैं, और देख पा रहे होंगे कितना अच्छा नज़ारा है। तो दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं दोस्तों, तो चलिए इनके पास जाकर देखते हैं कि ये कैसे मछली पकड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे की ओर। दोस्तों यहाँ मछली पकड़ रहे हैं जो गरी डांग होता है उससे, और यहाँ तीन चार गरी डांग लगाए हुए हैं और मछली पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इनसे कुछ पूछते हैं, कैसे गए मछली पकड़े आए हैं, कहाँ ले आए हैं? जाम बाहर ले। तो बने मछली मिला थे कि नहीं लगा थे? अच्छा, तो कतेक कतेक लग जाते है? मौका के हिसाब से लगी तो लगी, सब नहीं खाइस्ते कोठी भी नहीं मिले। हाँ हाँ, दोस्तों इनका कहना है कि अगर लगा तो बहुत लगता है, नहीं तो नहीं लग पाता है। तो यहाँ एक और भाई हैं, चलिए उनसे पूछते हैं। हाँ भाई, आप भी आए हैं, तो कितना मछली पकड़ लिया भाई? अभी तो नहीं पकड़े हैं। नहीं पकड़े हैं अभी तक? नहीं पकड़े हैं अभी, शुरुआत है। तो कितना टाइम तक खेलोगे आप? 3 बजे तक। 3 बजे तक? 3 बजे तक लगा तो लगा, नहीं तो चलो अपना। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं, तो चलिए आगे का सीन दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों यहाँ कबान हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से घूम लिया, और यहाँ घूमते हुए हमें काफ़ी वक्त भी हो गया। तो दोस्तों हम आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, और जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए गुड बाय।